हेलो फ्रेंड, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डैड लैपटॉप। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है लैपटॉप का पावर ऑन ऑफ का स्विच का बटन है। ये अगर इसको प्रेस करने पे अगर लैपटॉप ऑन नहीं होता है या लैपटॉप डैड कंडीशन में है, ठीक है, नो पावर ऑन, तो उस कंडीशन में लैपटॉप को कैसे आप चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि एक एक सेक्शन के बारे में कि लैपटॉप को जो है स्टेप बाय स्टेप आप कौन कौन से तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, और उसके द्वारा जो है आप प्रॉब्लम को जो है सॉल्व आउट कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि लैपटॉप अगर आपके पास किसी टाइप का अगर आता है तो उसको आपको कैसे चेक करना है, ठीक है। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा पर आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम कोई भी हमारे पास अगर लैपटॉप आता है और उसका पावर, अगर हम पावर स्विच जो है इसको अगर प्रेस करते हैं और लैपटॉप ऑन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हमें कौन कौन से स्टेप चेक करना होता है। तो पहला जो स्टेप है हमारा वो है एडाप्टर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है एडाप्टर है, और एडाप्टर जो भी लैपटॉप के जो चार्जिंग जो जैक होता है वहाँ पे ये कनेक्टर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एडाप्टर का जो एसी है, जो एसी वाला जो सॉकेट है, इसको एसी सॉकेट में लगाएंगे। एसी वाला जो पावर केबल है इसको एसी सॉकेट में लगाने के बाद यहाँ पर ये जो आउटपुट जो पिन है इसको डीसी जैक जैक बोलते हैं, डीसी कनेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 19 वोल्ट चेक करना है अकॉर्डिंग टू एडाप्टर वोल्टेज। एडाप्टर के ऊपर जो है लैपटॉप के ऊपर भी वोल्टेज लिखा होता है, तो मल्टीमीटर को डीसी 20 पर रख के आपको यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई चेक करना है कि 19 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई इस पे नहीं आ रहा है आउटपुट एडाप्टर के पिन पे, डीसी जैक के पिन पे, तो इसका मतलब है कि चार्जिंग जैक के पिन पे, तो इसका मतलब है कि आपका एडाप्टर खराब है। उससे पहले आपको एक बार पावर केबल को चेक करना है, और पावर केबल भी अगर ओके है तो आप एडाप्टर को खोल के उसको स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिएगा, क्योंकि मैंने इस पर भी एक वीडियो बना रखा है एडाप्टर को कि एडाप्टर पे कि एडाप्टर को हम कैसे चेक करेंगे। तो आपको जो है फर्स्ट स्टेप में अगर लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है तो यहाँ 19 वोल्ट की सप्लाई चेक करना, अगर नहीं आ रहा है तो जो हमने स्टेप बताया उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। सेकेंड स्टेप हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर 19 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है, ठीक है, और फिर भी अगर लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा तो हमारा सेकेंड स्टेप है कि आप ये जो जैक देख सकते हैं ये लैपटॉप के अंदर होता है, इस टाइप का जैक या इस टाइप का जो कनेक्टर होता है जो लैपटॉप के अंदर होता है, और इस टाइप के ये जो है आप देख सकते हैं कि इस टाइप का केबल के थ्रू जो आजकल जैक आ रहा है, इस टाइप का जो ये वाला जो पॉइंट है ये बोर्ड पर लगता है और ये जो बॉडी जो होता है उस पर लगा होता है। तो यहाँ पर इसको हमें चेक करना है, इस केबल को चेक करना है। जैसे अगर एडाप्टर के 19 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई मिल रहा है, ठीक है, तो हमें इस वाले जो पॉइंट है या यहाँ डीसी जो जैक का जो कनेक्टर है जो लैपटॉप के अंदर, यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई मिलना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो है अंदर का जो है ना इसका जो पिन होता है ये लूज हो जाता है, या इसका पिन शॉर्ट हो जाता है, या इसका जो है पिन जो है डैमेज हो जाता है, इसके वजह से जो है हमारे लैपटॉप के अंदर जो है पावर सप्लाई नहीं पहुँच पाता है और उसके वजह से जो है लैपटॉप ऑन नहीं होता है। तो आपको डीसी जैक को देखना है, इसको लूज के लिए चेक करना है, यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई चेक करना है, प्लस इसके आउटपुट पिन पे, मतलब ये जो कनेक्टर है जहाँ पे ये जो है डीसी जैक का कनेक्टर लगाते हैं, यहाँ पे आपको 19 वोल्ट की सप्लाई चेक करना है कि आ रहा है कि नहीं है। मल्टीमीटर को डीसी 20 पर रख के आपको चेक करना है। अगर फिर भी प्रॉब्लम सेम है और लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, तो तीसरा जो हमारा स्टेप है वो है बैटरी कनेक्टर। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ये लैपटॉप का जो बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये कनेक्टर है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये कनेक्टर है। ये जो है मिनिमम फाइव मैक्सिमम 10 to 11 पिन का होता है, जिसमें जो है अलग अलग पिन होता है। सप्लाई का पिन होता है, क्लोक डेटा का पिन होता है, थर्मिस्टर का पिन होता है, और ग्राउंड का पिन होता है। तो आपको इसमें जो है यहाँ पर क्या चेक करना है, यहाँ पे जो क्लोक और डेटा पे 3.3 वोल्ट सप्लाई चेक करना है। एक तरह का वो सिग्नल होता है, डेटा होता है और क्लोक होता है, पर आप अगर मल्टीमीटर चेक करेंगे तो यहाँ पे 3.3 आना चाहिए। और उससे पहले ये चेक करने से पहले आपको बैटरी निकाल के और दोबारा लैपटॉप को ऑन करना होता है।
क्या होता है कि कभी कभी बैटरी शॉर्ट होने की वजह से भी जो है लैपटॉप ऑन नहीं होता है और बैटरी निकालने के बाद लैपटॉप ऑन हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका लैपटॉप का जो है बैटरी है वो शॉर्ट है। जैसे देख सकते हैं लैपटॉप के बैटरी के अंदर भी जो है कंपोनेंट लगे होते हैं, तो वो कंपोनेंट अगर शॉर्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तभी भी जो है बैटरी जो है मतलब बैटरी लगा होता है तो लैपटॉप ऑन नहीं होता है। तो उस कंडीशन में एक बार आपको बैटरी निकालना है और उसके बाद से लैपटॉप को ऑन करना है। अगर बैटरी निकालने से लैपटॉप ऑन हो जा रहा है तो लैपटॉप के जो बैटरी है उसमें शॉर्टिंग है। अगर निकालने पे भी ऑन नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे 3.3 सप्लाई चेक करना। अगर 3.3 क्लॉक डेटा नहीं बन रहा है तो सीधे आपके बोर्ड के अंदर जो है आयो जो चिप है उस पर आपको इनपुट सप्लाई चेक करना है आयो चिप पे। तो आगे हम चल के वो भी देखेंगे कि आयो चिप पे हमें कैसे इनपुट सप्लाई चेक करना है। फिलहाल हमें यहाँ पे 3.3 जो है क्लॉक आउट डेटा बनना चाहिए, ठीक है। अगला स्टेप है, अगर सपोज कीजिए वहाँ पे भी 3.3 की सप्लाई बन रहा है और फिर भी ऑन नहीं हो रहा है तो शायद लैपटॉप का ऑन ऑफ जो स्विच है जो सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, वो ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करने से क्या होता है उसका जो स्विच जो होता है वो अंदर दब जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये ऑन ऑफ स्विच है, तो इस ये दबने की वजह से या ख़राब होने की वजह से भी जो है वो प्रॉपर जो है लैपटॉप मतलब लैपटॉप ऑन ही नहीं होता है। तो आपको देखना है कि ये जो है स्विच ओके है कि नहीं है। प्लस अगर स्विच ओके है तो आपको ये केबल भी देखना है, क्योंकि ये जो केबल है ना ये केबल कहाँ पर कनेक्ट होता है, मदरबोर्ड पर। मदरबोर्ड पर कैसे कनेक्ट होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो मदरबोर्ड का कनेक्टर है इसमें जो है अलग अलग टाइप के जो कनेक्टर होते हैं उसमें कनेक्टर में कनेक्ट होता है, मदरबोर्ड से ये कनेक्ट होता है। तो आपको जो है ये ऑन ऑफ स्विच को कंफर्म करना है। इसकी भी टेस्टिंग मैंने एक वीडियो बता रखा है कि ऑन ऑफ स्विच की टेस्टिंग क्या होती है। और ये जो रिबन टाइप का केबल होता है इस केबल को भी आपको एक बार कंफर्म करना है कि केबल जो है ये बोर्ड के अंदर प्रॉपर लगा है कि नहीं है, कार्बन डस्ट तो नहीं है, और स्विच को अच्छी तरह से साफ करके और इसको भी चेक करेंगे कि ये भी दबा तो नहीं है, शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर स्विच भी ओके है, ठीक है, स्विच भी ओके है तो आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे सप्लाई चेक करनी कि सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे भी जो है बोर्ड के अंदर जो है बोर्ड के अकॉर्डिंग लैपटॉप के अकॉर्डिंग अलग अलग बोर्ड में अलग अलग सप्लाई आता, मतलब एक तरह का सिग्नल होता ऑन ऑफ स्विच का। तो यहाँ पे 3.3 के समथिंग जो है यहाँ पे आपको सप्लाई कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिल रहा तो वही जो बताया मैं रिबन केबल को आपको चेक करना है, प्रॉपर जो है बोर्ड में नहीं लगा होगा। अगर ये प्रॉपर बोर्ड में लगा हुआ है तो फिर वो जो प्रॉब्लम है वो जो है आयो सेक्शन से है, तो आयु को अभी हम लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें इसको भी चेक करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ऑन ऑफ स्विच भी खराब होता है, ये इसका जो है स्विच दबने की वजह से भी प्रॉपर बोर्ड ऑन नहीं होता, बोर्ड में प्रॉपर सप्लाई बनता है मगर लैपटॉप हमारा ऑन नहीं होता है, तो ऑन ऑफ स्विच देखना है। उसके बाद से अगला जो स्टेप है वो है हमारा बोर्ड को मतलब अगर ऑन ऑफ स्विच हमने चेक कर लिया फिर भी हमारा बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो बोर्ड को एक तरह का से बाहर निकालना है, मतलब उसको जो भी बोर्ड का जो मदरबोर्ड है उसको बाहर निकालेंगे, प्रोसेसर को भी बाहर निकालेंगे और निकालने के बाद जो है बोर्ड को अच्छी तरह से जो है क्लीन करेंगे, जो है थिनर आईपी लिक्विड से अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, क्योंकि बोर्ड के अंदर कार्बन डस्ट के वजह से जो है ये प्रॉब्लम आता है कि बोर्ड हमारा ऑन नहीं होता, लैपटॉप जो है ऑन नहीं होता, डेड कंडीशन में चला जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अच्छी तरह से आगे और पीछे जो है इसको अच्छी तरह से साफ करना है। बस ये ध्यान रखना है कि जो है प्रोसेसर के अंदर जो है पिन है उस पर अंदर जो है उसमें लिक्विड जो है नहीं जाना चाहिए, ब्रश से उसको अच्छी तरह से क्लीन नहीं करेंगे, ओनली फूंक मारेंगे उसको, जो भी उसमें डस्ट है वो क्लीन हो जाएगा, ठीक है। और पूरे बोर्ड को अच्छी तरह से आपको थिनर आईपी से क्लीन करना है और हल्का नॉर्मली जो है उसको हीट करना है। अगर ये भी करने से बोर्ड हमारा ऑन नहीं हो रहा है तो उसके बाद अगला जो स्टेप है हमें क्या चेक करना है, अगला स्टेप जो है वो बोर्ड के अंदर जो है जहाँ पे हम डीसी इन करते हैं ना, मतलब जो 19 वोल्ट की सप्लाई जहाँ पे इन होता है, जैसे कि हमने बताया था कि इसके थ्रू यहाँ से 19 वोल्ट की सप्लाई इन होता है यहाँ पे आता है और ये जो जैक कनेक्टर जो होता है इसको बोलते हैं वोल्टिंग सेक्शन। तो इसकी पूरी डिटेल मैं एक अगले वीडियो में जो बनाऊँगा तो उसमें बताऊँगा कि ये वोल्टिंग सेक्शन कैसे काम करता है। फिलहाल जो है ये वोल्टिंग सेक्शन में जो है बहुत सारे मॉस्फेट लगे होते हैं, फ्यूज लगा होता है, क्वाइल लगा होता है, मॉस्फेट क्वाइल फ्यूज से होते हुए यहाँ पे जो है एक तरह का इस टाइप का जो है इस सेक्शन के अंदर जहाँ पे ये डीसी जैक कनेक्टर लगा होता ना इसी के पास में इस टाइप का है या किसी किसी बोर्ड में इस टाइप का है या इस टाइप का जो है फ्यूजर रजिस्टर लगा होता है, एक तरह का वो रजिस्टर होता है जिसकी वैल्यू जो है ना 50 ओम से कम होता है, मतलब 0 ओम का रजिस्टर होता है, तो एक तरह का फ्यूज का काम करता है।
यहाँ पे डीसी जैक, यहाँ पर हम एडाप्टर का जो पिन लगाते हैं उसी के पास में जो है ना, मॉस्फेट के पास में ये जो है इस टाइप का ब्लैक कलर का या ग्रीन कलर का जो है इस टाइप का जो आपको पॉइंट मिलेगा, मतलब रजिस्टर मिलेगा। इस रजिस्टर पर आपको 19 वोल्ट की सप्लाई चेक करना है, इसको हम बोलते हैं कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई देखना है। अगर यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपका डीसी जैक प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या इस सेक्शन के अंदर जो मॉस्फेट लगे हैं ना, स्टार्टिंग के जो मॉस्फेट लगे हैं, मेन और सपोर्टिंग मॉस्फेट लगे रहते हैं, इनमें से कोई ना कोई मॉस्फेट खराब है और मॉस्फेट को चेक करके उसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो आपको बस ये अगला स्टेप है कि यहाँ पे आपको इसको हम कॉमन पॉइंट बोलते हैं। ये रजिस्टर जो है एक तरह का फ्यूज का काम करता है, इस रजिस्टर पे इस टाइप का रजिस्टर होगा ये कनेक्टर के पास में। यहाँ पे आपको 19 वोल्ट की सप्लाई चेक करना, अगर यहाँ पे 19 वोल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब जो है हमारा वोल्टिंग जो है, वोल्टिंग सेक्शन ओके है, मतलब वोल्टिंग वाला सर्किट है वो ओके है। और फिर भी अगर लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है तो उसके पास अगला जो स्टेप है हमें 3 और 5 वोल्टेज चेक करना है, जिसको हम मतलब 3.3 और 5 वोल्टेज, क्योंकि बोर्ड में बहुत सारे कंपोनेंट लगा होता है और सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। बोर्ड में कंपोनेंट जैसे आईसी हो गया, कैपेसिटर हो गया, रजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर, सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो सब 19 वोल्ट से तो ऑन होगा नहीं, क्योंकि एडाप्टर से ओनली 19 वोल्ट की सप्लाई इन होता है। तो इस कंडीशन में जो है इस सेक्शन के अंदर एक आईसी, 2 या 4 मॉस्फेट, 2 आउटपुट क्वाइल और 2 आउटपुट कैपेसिटर लगे होते हैं, जिसको बोलते हैं स्टेप डाउन सेक्शन, जो एक क्वाइल से 3.3 और दूसरे क्वाइल से जो है 5 वोल्ट की सप्लाई आउट करता है। तो आप देख सकते होंगे लैपटॉप के जो बोर्ड है, आप कोई भी लैपटॉप का बोर्ड उठाएगा और उसमें आप देखेंगे कि सीपीयू सॉकेट के पास में 2 क्वाइल होगा, उस क्वाइल को छोड़ के बोर्ड के अंदर अगर कहीं पर भी 2 क्वाइल 4 मॉस्फेट और 2 आउटपुट कैपेसिटर दिखता है, तो वहाँ वाला जो आउटपुट जो क्वाइल है ना, वो आपका एक क्वाइल पे 3.3 मिलेगा, एक क्वाइल पे 5 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 और 5 वोल्टेज चेक करना है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है स्टेप डाउन का। ये जो है सेक्शन 19 वोल्ट इस पे आता है और ये जो है 3.3 और 5 वोल्ट की सप्लाई को आउट करता है, और यही सप्लाई जो है अलग अलग सेक्शन के बोर्ड के अंदर अलग अलग आईसी, आईओआईसी हो गया, बायोस आईसी हो गया, या आरटीसी सेक्शन हो गया, अलग अलग सेक्शन को जो है ये 3.3 और 5 वोल्ट की सप्लाई जाता है। और इस सेक्शन को जो सप्लाई कहाँ से मिलता है, वोल्टिन से, मतलब जो कॉमन पॉइंट अभी हमने फ्यूजल रजिस्टर बताया था वहाँ से इस सेक्शन को सप्लाई मिलता है। तो आपको देखना है कि बोर्ड में जहाँ पे भी 2 क्वाइल जो पास में लगा है सेम नंबर का लगा होगा, और सीपीयू सॉकेट के पास में जो लगा है उसको छोड़ के, क्योंकि वो जो है उसका वो सेक्शन अलग होता है, तो वहाँ पे लगा होगा वो वाला नहीं होगा। उसके अलावा बोर्ड में कहीं पे भी आपको, जैसे इस बोर्ड में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 2 जो है क्वाइल लगा हुआ है, तो और 4 मॉस्फेट और 2 वहाँ पे कैपेसिटर पे लगा होगा, तो वही जो है आउटपुट क्वाइल पे आपको देख लेना है 3 और 5 वोल्ट। अगर नहीं मिल रहा है तो 19 वोल्ट चेक करेंगे प्लस मॉस्फेट को चेक करेंगे, अगर ये भी ओके है देन उसके बाद से आपको चेक करना है, अगर वहाँ से 3.3 वोल्ट की सप्लाई आउट हो रहा है और फिर भी अगर बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको ये कन्फर्म करना है कि जो आपके जो बायोस है ना बोर्ड के अंदर, जो बायोस लगा है, इस पर इनपुट वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके कौन से पिन पे आएगा, पिन नंबर 8, और जो 8 पिन का बायोस होता है बोर्ड के अंदर, इस टाइप का जो है सबसे बड़ी आईसी होती है बोर्ड के अंदर इस टाइप का, तो 8 पिन जो है इस पे 3.3 आएगा, पिन नंबर 7 पे भी 3.3 आएगा, पिन नंबर 3 पे भी 3.3 आएगा, पिन नंबर 1 और 2 से डेटा आउट होता है। तो आपको यहाँ पे डेटा कन्फर्म करना है कि डेटा आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको अगर डेटा आउट नहीं हो रहा है तो ये बायोस करप्ट है, इसकी रिप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ये बायोस करप्ट है, इसकी रिप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। अगली बात कि जैसे कि अगर बात करिए, अगर करप्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, आरटीसी सेक्शन चेक करेंगे, जो पीसीएच जो आईसी होता है, जैसे आप देख सकते हैं ये जो है बोर्ड के अंदर ये पीसीएच आईसी है। आजकल जो है नॉर्थ 3 साउथ 3 जो आईसी है बहुत कम आता है, क्योंकि दोनों आईसी को कंबाइन करके एक पीसीएच आईसी बोर्ड में आ रहा है, जिसमें नॉर्थ 3 साउथ 3 दोनों होता है, जिसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। उसके पास में इस टाइप का आपको क्रिस्टल दिखेगा, इस टाइप का यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आपको क्रिस्टल को कंफर्म करना है। ये आरटीसी सेक्शन है, ये सेक्शन भी अगर काम नहीं करेगा तभी भी बोर्ड ऑन नहीं होता है। यहाँ पे इसके आसपास के जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं वहाँ पे आपको 3.3 आपको देखना है, सीमोस बैटरी को चेक करना है, ये भी जो सीमोस बैटरी है वो भी इसी सेक्शन पर आएगा। तो इसमें जो है डायोड लगे होते हैं, क्रिस्टल लगा होता है, इसके आसपास के कंपोनेंट भी कन्फर्म आपको चेक करना है। अगर ये भी ओके है
फिर भी बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, तो फिर हमें आईओ पे जाना है, और आईओ पे जो है इनपुट वोल्टेज मतलब इसके आसपास कैपेसिटर लगे होते हैं आईओ के आईसी के पास में। ये कैसे कंफर्म करेंगे आईओ आईसी कौन सा है? तो बोर्ड के अंदर जो है ना सबसे बड़ी पिन आईसी लैपटॉप बोर्ड के अंदर होता है, वही आईसी बायोस आईसी होगा, सॉरी आईओ आईसी होगा। ये पहचानने का सबसे ईजी तरीका है। तो ये आईसी के पास में आप देखेंगे कैपेसिटर, नियर बाई जो कैपेसिटर है ना उस पर आपको 3.3 या 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगा, ठीक है। वो सप्लाई आपको देखना है, प्लस इसका जो डाटा आउट होता है ना बायस का, वो भी डेटा इसके आसपास के कंपोनेंट प्लस आईसी पे जाता है इस पर, तो भी कंफर्म करना है। अगर डेटा आ रहा है और फिर भी जो है बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, आईओ को चेंज करेंगे। चेंज करने से पहले आईओ को एक बार निकाल के साफ करके लगा के देखेंगे, अगर फिर भी नहीं हुआ तो आईओ को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर किसी टाइप के आपके पास अगर कोई लैपटॉप आता है तो आप उस लैपटॉप को स्टेप बाय स्टेप जो मैंने तरीका बताया उसके द्वारा आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।